नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। स्वप्न भारत समाचार में आपका स्वागत है। तो आइए आज नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। यही एक कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जो एक बाप ने अपनी बेटी के साथ किया ऐसा घिनौना काम, आपके रूह भी कांप जाएंगे। एक बाप ने बेटी के रिश्ते को तार तार किया। आपको बता दें, कानपुर छेतेपुर गाँव निवासी एक बेटी ने अपने बाप के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बाप ने मेरे साथ उस समय से घिनौना काम करते आ रहे हैं, जब से कि नवंबर माह से मेरी माँ और भाई से मारपीट करने के बाद माँ और भाई को घर से भगा दिया था, तब से मेरे साथ घिनौना काम कर रहे थे। अभी कोरोना काल में हुए घटना के चलते एक बार लड़की ने गर्भ धारण कर लिया, जिसका दवाई खिलाकर एबॉर्शन किया गया और उसके बाद दोबारा फिर पिता ने लड़की के साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद कल जाकर लड़की जंगल में भाग गई और उसके पिता को ढूंढने पर लड़की ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता को थाने ले आई, जहां आज जेल भेज दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं पीड़ित का क्या कहना है अपने पिता के ऊपर, कि वह क्या पिता पर आरोप लगा रही है, आप भी ये जान लीजिए। ना हुई है आपके साथ, तो किसने किया है? मेरे पापा ने की है, क्या जबरदस्ती की है, गलत किया है। कब से कर रहे हैं? 27 नवंबर के दो दिन बाद। आपकी माँ साथ नहीं रहती हैं क्या? नहीं रहती, वो किराए के रूम में रहती है। माँ पापा लड़ाई में हो गया करती थी, लड़ाई तो पापा ने भगा दिया घर से। आज क्या किया? आज नहीं है, जब से मम्मी गई तब से हो रहा है। कितने दिन हो गए? कम 5-6 महीने हो गए। तो अभी तक आपने शिकायत नहीं की थी पुलिस को? किसी ने मतलब छोड़ दिया जाता था। आज कैसे आप थाने पहुँची? आज परसों भाग आए थे घर से, इसलिए हमने कॉल पर 100 नंबर डायल किया। जब पापा वहाँ जंगल में पहुँचे थे, गाली वाली कर रहे थे, तब हमने 100 नंबर डायल किया था। पापा की गिरफ्तारी हो गई? ये गांव का नाम है छीतेपुर भौती प्रतापपुर। जो पापा मेरे हैं, वो मम्मी भैया को भगा कर घर से निकाल कर लड़ाई करके दारू वारू पीते थे, घर से निकाल दिया। फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरे साथ गलत संबंध जबरदस्ती बनाने लगे। फिर इसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होकर दवा खिलाए, फिर मैंने बच्चा वोशन करवाया घर पे ही, तो उन्हें फिर दोबारा संबंध बनाने लगे। ये वही कोरोना जब चल रहा था तब। नहीं बताया, वो मेरे पर विश्वास ही नहीं करती थी। अभी अंदर है जेल में। ये घटना कब से चल रही है? 27 नवंबर के बाद दो दिन बाद। आपने पुलिस को तारीफ दी है? नहीं दी। अभी जब आज पता, वो आए थे जंगल में हमको ढूंढ रहे थे, जब हमने 100 नंबर डायल किया था तब। हाँ लाई है। तो अभी आपने देखा कि एक बेटी ने अपने पिता के ऊपर कैसा घिनौना काम करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पर अब उसकी माँ से भी जानकारी ले लेते हैं कि माँ क्या कहती है इसके बारे में, क्योंकि बेटी का तो ये कहना था कि जब हम पहले कभी बताया करते थे तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करता था। हाल ही में जब उसने मारपीट कर घर से अपने बेटे और अपनी पत्नी को भगा दिया, जो कि वह किराए पर कहीं बाहर जाकर रह रही थी, अब ऐसी जानकारी मिलते जब माँ घर आई, तो अब आइए देखते हैं कि माँ इस पर क्या कहती है। हुई आपकी बिटिया के साथ, और किसने किया है? हमको भाई जी ने, इन्होंने बताया नहीं, हमसे लड़ते थे झगड़ते थे, हम तीनों बच्चों को लेकर के किराए के कमरे में कमाने खाने के प्राइवेट ड्यूटी करते हैं। हमको इन्होंने कुछ बताया नहीं, हम ड्यूटी पर थे, इन्होंने 100 नंबर डायल किया, फिर बुलवाया, फिर हमको आज हकीकत बताया, तो हमको ये बात मालूम है जिनके साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से बिटिया ने आरोप लगाया है कि पिता ने ही हमारे साथ दुष्कर्म करते रहे, तो क्या मानती हैं कि आप क्या नहीं रहती थी साथ में बच्चों के साथ? हम दो बच्चे और तीन बच्चे हमारे साथ में रहते थे, बड़ी बिटिया पापा के साथ में रहती थी, हम किराए के मकान में रहते थे मोहती में। इन्होंने हमको बताया नहीं कि पापा हमारे साथ गलत संबंध करते हैं। जब हम आज ड्यूटी पर थे तो ड्यूटी में हमको खबर मिली कि इसी की बात है, तब हमको आज जानकारी मिली। आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।